गुजरात के छोटा उदयपुर में भी भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। वहां उफान पर बह रहे एक बरसाती नाले में कई स्कूली बच्चे फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए कई लोगों को अपनी जान पर खतरा लेना पड़ा। करीब 50 से ज्यादा बच्चे मौत के मुंह में फंसे हुए थे। नाला भी उफान पर था। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए दो आदमी पानी में उतर गए, एक बीच में खड़ा हो गया और दो किनारे पर खड़े रहे। ऐसा करके उन्होंने एक चेन बना ली और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर लाने की कोशिश की गई। एक पल ऐसा भी आया जब एक बच्ची पानी के तेज बहाव में फंस गई। उसने वहां खड़े आदमी का पैर पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी। जो बच्चे ज्यादा छोटे थे उन्हें गोद में लेकर नाला पार कराया गया। कई घंटों की कोशिश के बाद सभी बच्चों की जान बचा ली गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और उत्तराखंड के कोटद्वार में भी भारी बारिश के बाद सैलाब ने कहर बरपा दिया। नदियों और नाले उफान पर बहने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और चारों तरफ हाहाकार मच गया। नदियों और नालों में ऐसा सैलाब आया कि एक पुल भी उसमें धस गया। सड़कें तो कहीं दिखी नहीं रही थी, जहां नजर गई वहां बस सैलाब नजर आया। नदियों और नालों का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई मकानों के बाहर नाक तक पानी भरा दिखा। एक घर तो तालाब बन गया, बर्तन पानी में तैरते हुए दिखे। एक नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि 10 बसें भी डाल दो तो वो माचिस की डिब्बियों की तरह बह जाएं। कोटद्वार में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब रहे और मौसम विभाग के मुताबिक इन हालात से लोगों को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग का अनुमान तो ये है कि 5 जुलाई तक उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल इस कदर बरसेंगे कि नदियां और नाले बेकाबू हो जाएंगे। उत्तरकाशी और चमोली जिले में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में भी बारिश की भविष्यवाणी की है। साथ ही मौसम विभाग ने कर्नाटक के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा अनुमान है कि कर्नाटक में अगले 48 घंटे बादल इस कदर बरसेंगे कि पहले से उफान पर बह रही नदियों और नालों का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस जाएगा। गांव के गांव डूब जाएंगे। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से कर्नाटक पहले ही बेहाल है। कई इलाकों में तो बाढ़ आ चुकी है, कई नदियों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। हालात इतने खराब है कि लोगों को घरों से बाहर